बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारे करेले तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखो, पहले हमने घी में अच्छी तरह करेलों को तल दिए, फ्राई कर लिए अच्छी तरह, उसके बाद हम करेलों को डालेंगे कीमे में ताकि ये करेले और कीमा अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तो फिर पकेंगे और बड़ा मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह, बड़े अच्छे। और आज आपको एक स्वीट डिश भी दिखाऊँगा साथ साथ, ये करेले तैयार हो रहे हैं और साथ साथ आपको स्वीट डिश भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये देखें, ये फ्राई हुए करेले अब हम डालेंगे जनाब जी। व्यूअर ये देख लें, माशाल्लाह हमने अब करेले और इसमें हम मिक्स करेंगे। अब ये हमारा कीमा तैयार हो गया माशाल्लाह, और अब इसमें डालेंगे करेले और इसको हम मज़ेदार करेले हमारे तैयार हैं इंशाल्लाह, बड़ा मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ आपको स्वीट डिश भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, ये देख लें माशाल्लाह करेले हमारे तैयार हो गए हैं और बहुत ज़बरदस्त है इंशाल्लाह, जायका भी अच्छा इंशाल्लाह आ रहा है और खुशबू भी ज़बरदस्त नज़र आ रही है इंशाल्लाह। खाने में बहुत मज़ेदार, बड़े टेस्टी। व्यूअर कैसे आ रहे हैं, ठीक ठाक? ये देखें साथ हमारा ये तकरीबन करेले गोश्त तैयार हो गया और ये हमारी अब हो रही है, क्या तैयार हो रहा है अभी दूध में, अभी इन्होंने क्या डाला, चीनी डाली है इसमें जी, चीनी डाल दी है और क्या डाला है इसमें जी, पिस्ता भी डाल दिए और इलायची भी डाल दिए, और क्योंकि मैं इधर मसरूफ था, असल रमान भी आ रहे हैं तो उसके दर्द भी मसरूफ था, तो ये डाल दिए माशाल्लाह। अब इसमें हम डालने लगे हैं जनाब, ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं, तो ये सारी चीज़ें अब जो देसी दूध उबाला आएगा अच्छी तरह दूध आगे लेकर ला दिए थे, और ये प्लेट दिखाएं जी आगे पेड़े किस तरह के थे और कैसे डाल रहे हैं, ये एक ही डाल रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। ओहो कमाल है, ये देख रहे हैं जी, ये आई मेरी गुड़िया शहजादी बड़ी बेटी ने माशाल्लाह कहा जी पापा आज आपको रसमलाई की आज आपको खिलाते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं कि रसमलाई कैसे बनती है। ये अच्छी तरह जब पहले कम कम थे, छोटे छोटे दाने थे, अभी ये माशाल्लाह ये देखें बड़े बड़े मोटे मोटे हो रहे हैं, उसमें पक रहे हैं माशाल्लाह। जब ये तैयार हो जाएगी तो हमने बाउल में डाल दिए और ये अब गर्म में थोड़ा सा, ये अब इसको आप रखेंगे फ्रीज में, और जब फ्रिज में रखेंगे तो ये इंशाल्लाह आपको फिर बकाया आपको तैयार होने के बाद फिर आपको पता चलेगा। अब हमने इसको फ्रीज में रख दिया इंशाल्लाह, और तकरीबन फ्रिज में माशाल्लाह थोड़ी देर से हम इसको फ्रिज में रखेंगे, और रखने के बाद हम इसको 10 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे। ये हमारी रसमलाई तैयार हो गई है और अब ठंडी भी हो गई है, और इसको हम डालने लगे हैं क्या जनाब, छोटे बाउल में। क्या बात, ज़बरदस्त आए, आप भी खाएँ हमारे साथ, और अगर नहीं खाना आप बाहर नहीं सकते, इसलिए बेहतर है कि आप खुद बनाएं, टेस्ट चेक करें, बहुत मज़ेदार है और कमाल है, कमाल वाओ ज़बरदस्त कमाल है। आए जी आप भी खाएं और हम खुद भी खाते हैं और टेस्ट भी लेते हैं।